दिल्ली में, उस समय की महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर और अन्य तमाम स्थलों पर, उत्तर प्रदेश के जो कामगार और श्रमिक थे उनके साथ वहां भेदभाव हुआ तो उन्होंने अपने घरों की तरफ रुख किया। बड़े पैमाने पर भारत सरकार ने चिंता व्यक्त की कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जाएंगे कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर रहेंगे। हमने कहा उत्तर प्रदेश इन सबको लेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो उनका अपना घर है और उत्तर प्रदेश के अंदर इनके लिए सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। हमने उनकी स्किल मैपिंग कराई। एमएसएमई का हमारा सेक्टर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के परिणाम स्वरूप उन 40 लाख लोगों को हम लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार के साथ जोड़ने या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई, जिनके बारे में देश के अंदर चिंता व्यक्त हो रही थी। और इसी का परिणाम है कि विगत 5 वर्ष के अंदर उठाए गए कदमों का परिणाम है कि डबल इंजन सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से 1,61,00,000 से अधिक रोजगार का सृजन हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न सेक्टर्स में प्रदेश के अंदर किए, तो 60,00,000 से अधिक स्वतः रोजगार के सृजन की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर इस दौरान की गई। मिशन रोजगार के अंतर्गत शासकीय सेवाओं के लिए जो अभियान चल रहा है, इतनी नौकरियां कभी नहीं निकली। शिक्षकों की नियुक्ति का हो, बेसिक शिक्षा परिषद में 1,26,000 से अधिक नियुक्तियां हुई, माध्यमिक शिक्षा में 40,000 से अधिक नियुक्तियां हुई, पुलिस में 1,60,000 से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया। स्वास्थ्य विभाग के भी अलग अलग पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई और प्रदेश के युवा को जब प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार मिलने लग गया तो स्वाभाविक रूप से उसने अपनी पूरी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को दिया। आज परिणाम हम सबके सामने है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र में जो प्रगति हुई, इस दिशा में आज परिणाम हम सबके सामने है। कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का एक मॉडल के रूप में रखा गया, पूरे देश ने उसकी सराहना की। कोरोना कालखंड में जब हर व्यक्ति अपने को बचा रहा था तब ENM, आंगनबाड़ी, आशा बोहिए, हमारा पैरामेडिक्स, हमारा चिकित्सक, एक समय तो ऐसा भी आया था जब निजी क्षेत्र पूरी तरह बंदी की ओर था, केवल सरकारी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की सुविधा थी। उन स्थितियों में तब आपने इस बात को महसूस किया होगा कि कैसे पूरी पारदर्शी तरीके के साथ वहां पर बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा देने, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार की व्यवस्था, गांव गांव में घर घर जाकर के एक एक उस संभावित कोरोना पॉजिटिव के केसेज को चिन्हित करने के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था, यह भी प्रदेश के अंदर हुआ। कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालते हुए 25 करोड़ की आबादी को बचाने के लिए जो प्रयास स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा, ENM, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के द्वारा किया गया, अत्यंत अभिनंदनीय और सराहनीय रहा है। और इसीलिए आज जब हम लोग आज यहां पर 1,354 स्टाफ नर्सेज को यहां पे ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, इस अवसर पर मुझे आपसे ही कहना है, प्रदेश सरकार ने विगत कुछ समय से जो उठाए गए कदम है कि स्टाफ नर्सेज को उत्तम प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। आज हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हम लोग नर्सिंग कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, या तो कर चुके हैं या फिर वहां पे करने की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है।
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इस प्रकार का प्रशिक्षण और पैरामेडिक्स के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें नौकरी की कमी नहीं, लेकिन उत्तम प्रशिक्षण अगर हो जाए तो फिर आपके लिए नौकरी ही नौकरी है, उसकी कमी नहीं है। निजी क्षेत्र में हो, शासकीय क्षेत्र में हो, हमारी आर्म फोर्सेस में हो, इन सभी जगह के अलावा दुनिया के तमाम देशों में भी भारी पैमाने पर जगह खाली पड़े हैं। तो एक रेशियो होना चाहिए कि 1 लाख की आबादी पे कितने चिकित्सक होने चाहिए, कितना पैरामेडिक्स होना चाहिए, कितने स्टाफ नर्सेज होनी चाहिए। उस रेशियो से आज भी दुनिया में भी और भारत में भी काफी कमी है। उस गैप को हम पूरा कर सकें इस दिशा में प्रदेश सरकार ने जहां ये कदम उठाए हैं, वहीं प्रशिक्षण की भी उत्तम व्यवस्था करने के जो कार्यक्रम बने हैं उन पर उसके परिणाम भी आने प्रारंभ हुए। आज जब हम देखते हैं प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के दौरान मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, शिशु मृत्यु दर कमी आई है, एनीमिया यह पहले की तुलना में इससे जुड़ी हुई जो चुनौतियां थी उन चुनौतियों को कम करने में सफलता प्राप्त हुई है। टीकाकरण की कार्रवाई में व्यापक सुधार हुआ है, संस्थागत प्रसव में सुधार हुआ है, अच्छी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए सभी यहां पर जितने भी स्टाफ नर्सेज हैं या जिनका चयन हो रहा है या जो सेवा में है या स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिक्स के रूप में कार्य कर रहे हैं या स्टाफ नर्स के रूप में या चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन सबसे मेरा एक आग्रह होगा कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, फुल ह्यूमनाइजेशन की कार्रवाई हो या अन्य जो भी कार्यक्रम शासन के चल रहे हैं, इन सभी के डाटा को अपलोड करने की कार्रवाई के साथ भी हम जुड़े। होता है हमारे यहां कार्यक्रम चल रहा है, हम लोगों ने अपलोड नहीं किया तो उसका परिणाम होता क्या कि हमारे उसमें 0 मान लिया जाता है या हम लोग उसमें पीछे मान लिए जाते हैं, जबकि वो कार्रवाई हमारे यहां हुई, हमने उस कार्यक्रम को चलाया है। लेकिन जब हम अपने डाटा को एंट्री नहीं करते तो परिणाम क्या होता है कि हम ये मान लिया जाता है कि यूपी में ये कार्य नहीं हो रहा है या यूपी इसमें पीछे है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम लोग इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे और जो कार्य कर रहे हैं उसको समय से अपलोड करना भी अगर हम लोग इस कार्यक्रम के साथ नहीं जुड़ते हैं तो हमेशा हमारे सामने ये चुनौती बनी रहेगी और हमारी व्यवस्था कटघरे में खड़ी होती हुई दिखाई देगी। दूसरा, आपने देखा होगा अक्टूबर महीने में अचानक बहुत तेज बारिश आई, व्यापक जल जमाव हुआ और जल जमाव के परिणाम स्वरूप तमाम प्रकार की संचारी रोग भी प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर उसने तेजी के साथ फैलना प्रारंभ किया। कहीं डेंगू था, कहीं मलेरिया था, कहीं वायरल फीवर था, कहीं पर चिकनगुनिया था, कहीं पर कोई अन्य बीमारी आकर के बड़े तबके को अपनी चपेट में ले रही थी। अभी भी उसका खतरा समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसके प्रति सतर्कता और सावधानी, और राज्य सरकार इसलिए वर्ष में 3 बार हर चौथे महीने 1 बार संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के माध्यम से जन जागरूकता के एक बड़े कार्यक्रम को अपने साथ में लेकर चलती है। स्वास्थ्य का विषय उपचार से महत्वपूर्ण बचाव और जागरूकता पर केंद्रित हो तो बहुत सारे लोगों को हम रोगों से और उन रोगों को किसी भी प्रकार का साध्य बनने से हम लोग रोक सकते हैं। आज केंद्र और राज्य सरकार के अनेक ऐसी स्कीम है जिसका लाभ कॉमन मैन को हम दे सकते हैं। आयुष्मान भारत की योजना उसमें से है। आयुष्मान भारत में हम आज भी इस बात को देखते हैं कि गोल्डन कार्ड जितने लोगों के बनने चाहिए
उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हो पाते हैं जो लोग बनाते हैं। अक्सर होता क्या है, लोगों को मालूम है कि सब सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में उपचार व्यवस्था होनी है, इसलिए वो गोल्डन कार्ड नहीं बनाता। और ये मान के चलता है कि जब कोई बीमारी आएगी तब तो हम कार्ड बनाने के लिए आवेदन करेंगे। बीमारी आए ना आए, अगर वह गोल्डन कार्ड बनाता है तो हर साल वो अपने आप ही रिन्यूअल होता जाएगा। और एक व्यक्ति को एक वर्ष के अंदर 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा का कवर उसके माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, उसका लाभ लेना चाहिए। हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, इसके बारे में बताया जाने की आवश्यकता है कि कार्ड बनाने में कोई दिक्कत थोड़े है। अगर वो पैसा खर्च होता भी है तो अगली बार तो फिर अगले साल फिर उसी कार्ड का रिन्यूअल करवा करके वह फिर से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्राप्त कर सकता है। लेकिन लोगों को अवगत कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और इसमें आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। दूसरा, जो मैंने पहले ही कहा कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ स्टाफ नर्स होती है, हमारा मेडिकल ऑफिसर या जो वहां पर विशिष्ट चिकित्सा विशेषज्ञ होगा वो आएगा, ओपीडी में एक बार देखेगा या वार्ड में भर्ती मरीज को एक बार जाकर के राउंड लेता है, वहां पर बीएसटी में लिख देगा। मरीज के साथ में जब आप हॉस्पिटल में है उस दौरान सबसे अधिक उसके नजदीक आपको रहना पड़ता है, आपका व्यवहार उसकी बीमारी को दूर करता है। और मुझे लगता है कि हमें इस अपने व्यवहार को इस ऐसा रखना है कि वह व्यक्ति इस बात को भूल जाए कि वास्तव में बीमार है। हमें हॉस्पिटल का माहौल बीमारी का माहौल न देकर के एक स्वस्थ माहौल को बनाए रखने में हमें वहां पर स्वयं भी प्रयास करने चाहिए, अपनी टीम के साथ उस प्रकार का माहौल हॉस्पिटल का बनना चाहिए जिससे एक बीमार व्यक्ति भी उस माहौल से स्वयं भी ऊर्जा प्राप्त कर सके और उसे इस बात का एहसास हो सके कि नहीं, अब बीमारी नहीं है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। और मुझे लगता है आपका वह व्यवहार आपके कैरियर के लिए और आपको उससे मिलने वाली संतुष्टि से आपको बहुत लाभान्वित करेगा। क्योंकि अगर पैरामेडिक्स और स्टाफ नर्स का व्यवहार ठीक नहीं है, चिकित्सक का व्यवहार ठीक नहीं है पेशेंट के प्रति, तो फिर केवल दवा से पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। हमें उसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करना होगा और इसके लिए प्रशिक्षण के दौरान जो आपने सीखा है, जो आपने शपथ ली है, आप सब इस बात को जानते हैं कि आप जब अपने क्लिनिकल वर्क में हॉस्पिटल में जाते हैं कार्य सीखने के लिए, उससे पहले आपका एक शपथ ग्रहण होता है। उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साथ आप जुड़ती हैं, उस समय आपने अपने इस पेशे के प्रति जो शपथ ली है, मरीज के प्रति, उसके परिजनों के प्रति, अपने इस पेशे को स्वस्थ और मर्यादित तरीके से आगे बढ़ाने के प्रति अगर आप इसको लेकर के आगे बढ़ती हैं तो आप देखेंगे कि एक समय के बाद स्वयं ही आपकी प्रतिष्ठा को कई गुना आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और आप किसी सेवा को ध्यान में रख करके ही आपको हर व्यक्ति हॉस्पिटल में सिस्टर के रूप में संबोधित करके एक बहुत बड़ा सम्मान भी देता है, उस सम्मान को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। और इसलिए मैं आज आपके दिन पर आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि हम अपनी इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए अपने को तैयार करें। शासकीय सेवा एक औपचारिकता नहीं हो सकती, एक बड़ी जिम्मेदारी है और उस बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमें जुड़ना होगा। स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में बेहतर कदम बढ़ा रहा है। अभी भी हमारे पास जितनी बड़ी आबादी है, उतनी बड़ी आबादी और जितने हॉस्पिटल्स हैं उसके अनुरूप विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है
हमने विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए एक अलग कैडर भी गठित कर दिया है, और कैडर गठित होने के बाद नियुक्ति का अध्याचन भी लोक सेवा आयोग को भेजा है। ये प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और मैं विश्वास करता हूं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक बार इस प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है, शेष को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया को वह हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, आज तकनीक का समय है। प्रदेश के अंदर दूर दराज के जिन क्षेत्रों में जहां पर आज भी चिकित्सक पहुंचाने में दिक्कत है, हमें वहां पर टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन की सुविधा के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। वहां पे स्टाफ नर्स हैं या पैरामेडिक्स हैं, अगर इनका प्रशिक्षण हो जाए और हायर सेंटर के साथ जोड़ करके वहां पर टेली कंसल्टेशन या टेली मेडिसिन के साथ हम उन्हें जोड़ दें, तो स्वाभाविक रूप से बड़ी आबादी को, जो कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया था कि जहां बीमार वही उपचार, अगर उस व्यक्ति को उसके गांव में ही बीमारी के प्रथम स्टेज में ही उपचार की सुविधा उपलब्ध हो जाए, टेली कंसल्टेशन के साथ हम जोड़ सकें और वहीं पे उपचार की सुविधा उसे प्राप्त हो जाए, वहीं दवा मिल जाए, तो वह बीमारी बढ़ने से रुक सकती है। बहुत सारे लोगों को हम स्थानीय स्तर पर ही उपचार का लाभ दे सकते हैं, और अगर स्थानीय स्तर पर बीमारियों का उपचार होने लग जाएगा तो जो हमारे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर गंभीर रोगी ही आएंगे। अक्सर होता क्या है, हम केजीएमयू में देखते हैं 8,000 से 10,000 पेशेंट आता है, एससीपीजीआई 8 से 10,000 पेशेंट प्रतिदिन आता है, आरएमएल में 4 से 5,000 पेशेंट प्रतिदिन आता है, अन्य मेडिकल कॉलेजेज में जहां भी हम जाते हैं मैं पूछता हूं लोगों से भी ओपीडी कितनी है आपकी, पता लगता 5,000, 6,000, 7,000 तक। स्थानीय स्तर पर उपचार की व्यवस्था देना, जिससे ये भीड़, बहुत बार होता क्या है हॉस्पिटल में जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो डॉक्टर भी घबराता है उससे, ये भीड़ इतनी भीड़ है, उस भीड़ से अगर हर स्तर पर उसकी स्क्रीनिंग होते हुए सामान्य बीमारी है, गांव में उपचार हो सकता है, पीएससी स्तर पर उपचार हो सकता है, सीएससी स्तर पर हम उपचार की सुविधा दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्तर पर दे सकते हैं, तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं उस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए, हमें उस दिशा में और भी प्रयास करने चाहिए। प्रदेश के अंदर संचारी रोग नियंत्रण करने में प्रदेश सरकार ने बड़ी सफलता प्राप्त की, आज उसके परिणाम भी सबके सामने हैं। अभी एनजीटी ने ही उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे को लेकर के आज से 6 महीने पहले एक नोटिस जारी की थी, तो हम लोगों ने बड़ी शालीनता के साथ उनसे कहा कि भाई अच्छा होगा उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी संस्था को इसकी जिम्मेदारी दी जाए, वो देखें तो यूपी के इस मॉडल को, और जो आपके पास झूठी कंप्लेंट पड़ी है कि इंसेफ्लाइटिस से मौतें हो रही, थोड़ा इसकी भी जांच हो जाए। उन्होंने बैंगलोर की एक संस्था को इसके साथ जोड़ा है, संस्था ने रिपोर्ट जब अपनी दी तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, यानी इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत प्रदेश के 38 जनपदों में 2017 के पहले हजारों मौतें होती थी और 2017 के बाद क्रमिक रूप से इसे नियंत्रित करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए, आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों को 95% से अधिक हम लोगों ने नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है, यानी अपने आप में बदल। एनजीटी से जुड़े हुए पदाधिकारी जब मिले तो उन्होंने कहा साहब ये तो हम एक मॉडल था, इसको हाईलाइट क्यों नहीं कर पाए। हमने कहा हम तो बोलते हैं, लेकिन सवाल ये कि जो कंप्लेंट करने वाला है उसका क्या कर रहे हैं आप, ये झूठी कंप्लेंट जो लोग करते हैं इनके खिलाफ भी तो कार्रवाई की जानी चाहिए। यह एक मॉडल है,
कोरोना कालखंड में जिस प्रकार से कार्य किया है प्रदेश के चिकित्सकों ने, पैरामेडिक्स ने, एएनएम, आंगनबाड़ी आशा वर्कर ने, यह अपने आप में एक मॉडल है। हमें अपनी अच्छी चीजों को हाईलाइट करना होगा और साथ साथ प्रदेश के अंदर अन्य उन चुनौतियों को, 25 करोड़ की आबादी को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो सके उसके लिए हमेशा अपने आप को तैयार करना होगा। आज राज्य सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हम बहुत शीघ्र प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज देने में सफल होंगे। स्वाभाविक रूप से उसी हिसाब से हमें मैन पावर की भी आवश्यकता पड़ेगी, पैरामेडिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, स्टाफ नर्स की आवश्यकता पड़ेगी, फैकल्टी की आवश्यकता पड़ेगी हर एक स्तर पर। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हमें देख रहा था, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग भी थे और जेएनएम भी जिन्होंने पास किया है, वे लोग भी स्टाफ नर्स के रूप में उनका चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुआ है। एक अच्छी प्रक्रिया है लेकिन इसको यहीं पे नहीं थमने देना है। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है उनके लिए एक व्यवस्था बननी चाहिए कि वे अपनी पढ़ाई को वहीं पे रोके ना। उनका प्रयास होना चाहिए कि बीएससी के बाद एमएससी नर्सिंग करें, एमएससी नर्सिंग के बाद फिर वे पीएचडी करें। आपको जो ड्यूटी मिल रही है इस ड्यूटी के दौरान भी आप अपने डाटा तैयार कराइए पेशेंट की, पीएचडी के माध्यम से देखें उपचार के लिए किस प्रकार से आप उसमें सहायक हो रही हैं, डॉक्टर के मार्गदर्शन में, विशेषज्ञ चिकित्सक के मार्गदर्शन में कैसे आप कार्य कर रही हैं। और फिर आपका ये कार्य आपको बड़ा उपयोगी साबित होगा आपकी आगे की पढ़ाई के लिए। हम एक व्यवस्था देंगे जो लोग सेवा में हैं उनको अच्छा आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की दिशा में भी उनको भी डिग्री की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जिससे उनके आगे के प्रमोशन की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि आप जहां है वहीं तक सीमित मत रहिए अपने आप को उस दिशा में भी, क्योंकि हमें बड़े पैमाने पर फैकल्टी की आवश्यकता पड़ेगी भी। जितने नर्सिंग कॉलेजेस बन रहे हैं उन सभी में, और केवल यहीं पे नहीं, मैंने पहले भी बताया बहुत बड़ा क्षेत्र है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर बड़ी स्वास्थ्य क्षेत्र में स्टाफ नर्स की भूमिका उसके बैकबोन के रूप में कार्य करने वाली है। और उस भूमिका के लिए हम सब अपने आप को तैयार कर सकें इसके लिए अभी से अपनी तैयारी पूरी मजबूती के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ आप अगर अपने पेशे से जुड़े हुए कार्य को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाती हैं तो आपके स्वयं के विकास में सहायक होगा और स्वास्थ्य क्षेत्र एक विश्वसनीयता के प्रतीक के रूप में उभरेगा। शासकीय सेवा में आप आए हैं तो शासकीय सेवा को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आप इसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो इसकी विश्वसनीयता बनी रहेगी, और अगर इसकी विश्वसनीयता पर संकट आएगा तो स्वाभाविक रूप से वह आने वाले समय में इस पूरे पेशे के ऊपर ही संकट खड़ा होगा। क्योंकि जब भी संकट आया है आपने देखा होगा हम लोग तो रिस्क लेकर के फिर से नर्सिंग कॉलेजेस बना रहे हैं, हम लोग तो फिर से पैरामेडिक्स के प्रशिक्षण केंद्रों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, बंद पड़ चुके एएनएम सेंटर को फिर से चला रहे हैं, इसलिए सरकारों ने सब बंद कर दिए थे, सब बंद हो गए थे, नर्सिंग कॉलेज बंद हो गए थे, एएनएम सेंटर बंद हो चुके थे, सभी चीजें बंद हो रही थी। अब ये बंदी नहीं बल्कि हमें एक उज्जवल भविष्य के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ना है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से 1354 जो स्टाफ नर्स हैं, और इसमें मेरे लिए प्रसन्नता इस बात का है कि 90% बालिकाएं और महिलाएं हैं, इसमें 90% से अधिक उनका चयन हुआ है, 10% इसमें पुरुष भी हैं, मेल नर्स भी हैं, लेकिन 90% इसमें महिलाएं आई हैं, उनका चयन हुआ है, उनको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि
आप सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दक्षता के साथ इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं की नींव को मजबूती बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, स्वास्थ्य विभाग को, लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम को पारदर्शी तरीके के साथ आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और स्वास्थ्य विभाग को भी धन्यवाद देते हुए आपके उज्ज्वलमय भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।